अपने बारे में और फिर इस इवेंट के बारे में। हाय, मेरा नाम है ऋतु जी, मैं MTV स्पिट्सविला से हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। दिस फेस्टिवल मृदंग, आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ सिंगर एंड अ डांसर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कितनी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज होने वाली है यहाँ पर। Very excited and thankful and I think it's a great day to go ahead with the event. Ritu, आपका भी perform होने वाला है यहाँ पे? I think कुछ ना कुछ तो गाएंगे हम अपने audience के लिए। Hey, hi, मेरा नाम अंबुज गौतम है, मिस इंडिया बेस्ट एमंग 2012 हो चुका हूँ, काफ़ी सारी फिल्म करी हुई और सनी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस एंड ही आस्क्ड मी टू कम ओवर हियर, सो इट्स बीन प्लेजर टू कम ओवर हियर। देयर आर लॉट ऑफ गाइज एंड गर्ल्स एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस शो एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। ऐसे शो में जाते हैं तो कुछ याद आता है बचपना? जी, मैं डांसर रह चुका हूँ, मैं एंकर भी रह चुका हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे शो में आके और वैसे भी बहुत सारा टैलेंट है इंडिया में और ऐसे ही शो चाहिए और सही टाइप के लोग चाहिए जो शो को प्रमोट करें और लोगों को प्रमोट करें। Hello, my name is Aman Maheshwari and I'm an actor and a model and I've been ex-love guru for one of the radio stations for 6 years and I'm really looking forward to meet all the participants and see how talented they are. I'm sure they are very talented and mera kaam hai hamesha se bolna, so I'll see how this is going to be and I'm really grateful and thankful to Sunny. Ke bare mein kya kehna chahenge, itna bada event kiya hai logo ko? It's a beautiful काम है मेरे ख्याल से, I think so. क्या कहना चाहेंगे? Well, life में कुछ भी कठिन नहीं होता when you are very determined and all. So I would say कि सनी के efforts and all college students have put lot of stuff and like their efforts here. So I can very well see that and I'm really excited. Thank you. आप क्या कहना चाहोगे? इतने लोग इकट्ठा हुए और इतना तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि दिखने में नहीं लग रहे हो और आई एम ग्रेटफुल कि मेरे एक कहने के ऊपर एक फोन कॉल के ऊपर मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे लिए इकट्ठा हो गए, दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आई रियली थैंकफुल फॉर दैट। उसके ऊपर जैसे बोला, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, यू हैव टू डू एफर्ट, पुट एफर्ट्स। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, 2500 से 3000 स्टूडेंट्स हैं मेरे, मेरा स्टाफ है जिसने ये इवेंट सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो कितना चैलेंज था सनी, क्या कहना चाहेंगे? चैलेंजिंग तो होता है, जो भी आप यहाँ देख रहे हो सारे बच्चों ने और हम सब ने मिलकर ये अराउंड 10 दिन में पूरा इवेंट खड़ा किया है और उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, सब ने इसमें दिया हुआ है। एक आध कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जो टफ लगा हो आपको? जो टफ लगा हो, सबसे टफ है सेलिब्रिटीज से कोऑर्डिनेट करना और स्पेशली जब आप कॉन्टैक्ट नंबर सामने से देते हो, बट थैंकफुली ये सारे सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स हैं तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, बहुत इजी लगा, इन्होंने इतनी हेल्प की जिसको आई कांट कंपेयर दैट, आई एम ग्रेटफुल टू देम। में भी इस तरीके का कार्यक्रम? हाँ जी, yes. एक आखिरी सवाल आप चारों से, बहुत देर से सुनते आ रहे हैं सन्नी सन्नी सन्नी, सन्नी और मृदंग का क्या तालमेल है? आई थिंक इनका जो तालमेल है बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि द वे ही हैज ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग और इनका जो मेहनत दिख रही है हमको, एफर्ट्स दिख रहे हैं, मुझे लगता है वो जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक वो बॉन्ड ही नहीं बन सकता किसी भी चीज से, किसी भी इंसान में। आप एक गायिका भी हैं, हाँ जी, मृदंग का गायने में और गीत में और नृत्य में कितना बड़ा हाथ होता है? मुझे लगता है कि उस मृदंग के बिना कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो संगीतकार हो चाहे वो एक नृत्यकार हो, मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी पूरी हो पाती है क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे आपकी वो स्पेशल क्वालिटी दिखेगी। गौर से देखिए, मृदंग कौन है? मैं तो आज का नहीं, 40 साल।
महमूद हमारे भाई है इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और हमारे पार्टनर भी है, हम साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और रीना जी से आज पहली बार मुलाकात हुई है, इनके बारे में बहुत सुना है कि बहुत अच्छे एजुकेशन के लिए लोगों को मदद भी करती है बहुत, और यहाँ पे सोशल वर्कर भी है और बच्चों को प्रोत्साहन भी बहुत देती है।
तो अच्छी चीज है और मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। आप अक्सर ऐसे इवेंट्स पर जाते हैं, आपको उससे किस तरह की प्रेरणा मिलती है? अच्छा लगता है इन बच्चों में मैं अपने आप को देखता हूँ, और ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमको देख के थोड़ा सा और जोश में आ जाते हैं, तो और मज़ा आता है इनको थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए, वो आ जाता हूँ मैं कॉलेज के लिए, वरना आजकल एक्टर तो कॉलेज को भी पैसे चार्ज करते हैं। इनका इनको डांस करते हुए, इनको गाते हुए देखकर खुद को भी कुछ करने का दिल करता है? हाँ दिल करता है, जाता हूँ इनको भी इंटरटेन करता हूँ। क्या होता है हर काम पैसे से नहीं होता है, कोई कोई काम मोहब्बत के लिए भी करने पड़ते हैं, और मैं मोहब्बत में बहुत मानता हूँ। So I think our all students are your मोहब्बत। Give big hands to Ezra Scott। महमूद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई का, भाई ने आज श्रीनगर जा रहे थे शूटिंग के लिए गुलमकाई के लिए। हाँ सॉरी अमजद, हम सॉरी गुलमकाई की मेरी शूटिंग थी तो मैं एक दिन लेट करा दिया, मैंने कहा यार अब जब भाई के लिए मना नहीं कर सकते, पार्टनर के लिए कुछ तो करना पड़ता है भाई है भाई पार्टनर के लिए, मैंने कहा ना मोहब्बत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बस मैं स्टूडेंट को चीयर करूंगा बेटा मैं, क्योंकि अंधेरी से भाईंदर गाड़ी में बैठ के आने में आदमी की कमर की वाट लग जाती है। मैं मिथन के लिए ये कहूँगा कि एक नंबर चीयर्स फॉर आरएमसी।